देखिए, सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संग करना। अर्थात आपने देखा होगा कि आपके आसपास या फिर कहीं ना कहीं कभी कभी सत्संग हुआ करते हैं, एक शुभ दिन पर या फिर किसी का घर बनाने की खुशी में, किसी के संतान होने की खुशी में कोई सत्संग रखाता है या फिर अन्य कोई उत्सव होता है, तब सत्संग का माहौल बनता है। मंदिरों में, घरों में भी की जाती है सत्संग। अब देखिए, सत्संग का अर्थ क्या होता है ये समझे कि सत्संग यानी सत्य की संग करने वाला। देखिए, जो भी सत्संग में आते हैं वे हर व्यक्ति वे जानते हैं कि इस जगह सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। यानी जो सत्य के संग, जो सत्संग में कहा जाता है उसके भीतर जो भी कहा जाता है वो सत्संग होता है। उस सत्संग में कीर्तन किया जाता, भजन किया जाता है भगवान का, परमेश्वर का, ईश्वर का, जो कि सत्य का मार्ग यानी आपको प्रेरित करता है सत्य की ओर झुकाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में, भजनों में, कीर्तनों में जाना अनिवार्य करें, यानी जाना शुरू करें, सुने, उनकी संग करें कहीं भी। अब देखिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे थे पुराने समय में, अभी भी है बचे हुए, जो वो लगभग उस समय संसाधन नहीं थे किसी भी प्रकार के, तो क्या करते थे कि जहाँ पर भी सत्संग सुनाई देती थी या फिर न्योता आ जाता था या फिर बगैर न्योते के भी वे सत्संग में चले जाते थे। इतना उनको शौक हुआ करता था ऐसी चीज़ों में, लेकिन वे आजकल लुप्त होती जा रही है। अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि सत्संग में जाने के फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम सुने आप इस चीज़ को कि सत्संग में जाने के फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, सत्संग जो भी व्यक्ति जाता है ये मान के चलिए उसके मन में कहीं ना कहीं प्रभु निवास करता है और वे लालसा रखता है प्रभु को पाने की, उनके दर्शन की किसी ना किसी प्रकार से। मुझसे ध्यान है कि नहीं, हमें प्रभु को पाना है किसी भी प्रकार से, इसलिए वह सत्संग जाता है। कुछ ना कुछ अध्यात्म का एक गुण है ये ध्यान रखें आप भी। इसलिए अपने बच्चों में, संतानों में, अपने पीढ़ी में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाए ताकि वे आपको सालों साल याद करें अध्यात्म जगत में। अब देखिए कि सत्संग में जाने के फायदे ये होता है कि आपको वहाँ पर सत्संग में कई सारी ऐसी मुख्य बातें जानने को मिलती है जो आप नॉर्मली एक समाज में रह के, एक संस्कृति में रह के नहीं सीख सकते। उस सत्संग में जाने को जाने से आपको वे हर चीज़ मिल सकती है। आपको नई बातें जानने को मिलेगी, मुख्य बातें और गूढ़ रहस्य जानने को मिलेगी और किस प्रकार से इस मानव शरीर से मुक्ति मिले या मुक्ति मिल सकती है, इसका मार्ग भी मिल सकता है वहाँ पर। उसमें कुछ ऐसे उपदेश दिए जाते हैं जो आपको सुनना अनिवार्य है, बहुत ही गूढ़ रहस्य बताए जाते हैं, ऐसी मुख्य बातें कही जाती है। अब देखिए, सत्संग में फ़ायदा ये होता है कि कई बार ऐसी सत्संग होती है जिसके अंतर्गत ऐसे माने हुए नामचीन संत आते हैं, योगी आते हैं, साधक आते हैं, जो क्या होता है कि सत्संग के बीच बीच में आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताते हैं, कुछ बहुत ही मुख्य उपदेश आपको दे जाते हैं और ये आपको सुनने का और अवसर कहीं मिलता भी नहीं है। तो आपको ऐसे में ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आजकल के जो बच्चे हैं और युवा पीढ़ी है या फिर माता पिता भी है, इतनी गंदी लत लगी हुई है जिसके, देखिए माता पिता भी आजकल क्या जन्मदिन याद रखते हैं और बच्चों का जन्मदिन याद है उनको और भी छोटी मोटी चीज़ें उनको याद रह जाती, मगर सत्संग में जाना वे भूल जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा रीति रिवाज बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी
इन मामलों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी, वरना आप ये मान के चलें आप अपने स्वयं के पैर काट लेंगे आने वाले समय में। यानी आप किसी भी प्रकार से बच्चों में ऐसी चीज़ नहीं रख पाएंगे कि आप उनसे कुछ एक तरह से ख्वाहिश रख सके कि नहीं हाँ मेरे बच्चे में ये तो गुण है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताता हूँ कि सत्संग में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा कि आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा। ये तो जानकर आपको हानि होगी कि आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा। देखिए, कभी कभी होती है सत्संग, ये मान के चले, जब भी आपको पता लग जाए कि हाँ इस जगह पर सत्संग है, कहीं आपके शहर में बैनर लगे हुए हैं कि हाँ यहाँ सत्संग होने वाली रात्रि भजन का प्रोग्राम है, तो जाएं, आप जरूर जाएं, बिना विलंब किए हुए अपना खाना वाना खा के आराम से जाए, बैठे 2-3 घंटे, अगर पूरी रात्रि नहीं बैठना आता है 3-4 घंटे आप थोड़ा बहुत कुछ सुन के आए, कुछ उपदेश सुन के आए वहाँ पर, तो ये आप में क्या, ये जो वाणी होती है सत्संग की, वो आप में निर्मलता पैदा करेगी, सहज भाव पैदा करेगी, आपके अंदर के काम क्रोध ईर्ष्या भावना अहम के भाव को बाहर निकाल फेंकने में बहुत सहयोगी बनेगी। इससे फायदा बहुत है। और सत्संग देखिए प्रत्येक जगह नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर भी होता है तो इसे छोड़े ना, किसी भी तरह करके जाए जरूर। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि हम तो काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो फिर कैसे समय निकालें? वैसे ही समय निकालें जैसा आप रोटी खाते हैं, वैसे ही समय निकालें जैसे कि आप रात्रि को सिनेमा हॉल चले जाते हैं हजारों रुपए खर्च करके, उसी प्रकार से। तो समय तो आपको निकालना पड़ेगा, मृत्यु का जब समय निश्चित हो जाएगा तो उसके लिए आप समय बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, या फिर उसके लिए समय होता है आपके लिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको समय, एक क्षण का और एक श्वास लेने का भी आपको समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मान के चले। अभी जो आप ये समय निकाल रहे हैं ना, ये आपको मुफ्त में मिला हुआ एक तरह से, बिल्कुल मुफ्त में, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे संजो कर चले ताकि आपका जीवन सार्थक हो जाए और आप अपने आसपास में कुछ ऐसा बच्चों में संस्कार डाल के जाए जो आपके रीति रिवाज थोड़े से वो आगे लेके जाए, ताकि आपकी पीढ़ी में कुछ सुधार हो, कुछ अच्छे गुण आए, कुछ अच्छे संस्कार आए, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता बरकरार रहे, ये मान के चले। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके संस्कार मर्यादा सब भूल जाएंगे सब लोग, ये संस्कृति इस संस्कृति सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो जाएगा। इसलिए इसको संजोए रखना पड़ेगा किसी ना किसी प्रकार से, इसमें आपका भी योगदान बनता है अपने स्तर पर, बड़े स्तर पर नहीं, जैसे आप कर सकते हैं, जितना आप सुधार कर सकते हैं स्वयं में, आपके बच्चों में, जो आपके हाथ में हो वो आप स्वयं करें, बाकी बड़े लेवल तक ना सोचें मैं समाज सुधारक बनूंगा, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, इतना नहीं, सर्वप्रथम आप स्वयं में सुधार करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं में सुधार नहीं कर पाएंगे तब तक ही आप आशा छोड़ दें कि आप दूसरों में सुधार कर सकते हैं। इसलिए स्वयं के अंदर का बैठा हुआ जो रावण है उसका पतन करना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस चीज़ पर बहुत ध्यान दें। सत्संग, कीर्तन, भजन और साधु संतों की, महात्माओं के उपदेश, इन चीज़ों का आप संग्रह करें, इन चीज़ों को आप सुने, बार बार सुने, क्योंकि जब भी आप इनको दोहराएंगे सुनेंगे तो एक ना एक नई बात आपके समझ में आएगी, दोबारा समझ में आएगी, कुछ ना कुछ उसमें तथ्य निकल कर आएगा, नया तथ्य निकल कर आएगा जो आपको एक नई सीख दे के जाएगा। इस प्रकार से आप जब तक स्वयं संस्कारी नहीं बनेंगे तो मान के चलिए आपकी अगली पीढ़ी भी संस्कारी नहीं हो सकती है, कुछ ऐसे गुण नहीं आ सकते जो आपने अर्जित किए। इसलिए आपको भी देख के आपके
पुत्र पुत्रियां यानी आपकी संतान ये बोले कि हाँ मेरे पिताजी हुआ करते, दादाजी हुआ करते थे, दादी हुआ करती थी, जो सत्संग में जाया करते थे, जब भी सुन लिया करते थे तो तुरंत भाग चले जाते, तो ऐसा कुछ स्वयं के लिए भी छोड़े ना। आज की पीढ़ी तो बोलती है हाँ हमारे दादाजी जाया करते थे, वे करते थे, ऐसा शौक बहुत था उनको सत्संग में जाने का, कीर्तन में जाने। तो ये तो आने वाले समय में भी एकदम से विलुप्त होने वाली चीज़ हो गई, इसलिए आप भी इसको थोड़ा संजो के रखें। एक तरह से ऐसी संस्कृति है, ऐसी सभ्यता है जिसको संजोए रखना पड़ेगा आपको, इसका दायित्व आपको निभाना पड़ेगा। तो निरंतरता से कार्य करते रहें, सत्संग में जाना ना छोड़ें, और महात्माओं के, बड़े बड़े साधु संतों के उपदेश सुने, कुछ अपने जीवन में उनको अमल में लाए, ताकि आपका जीवन का सुधार हो, कुछ ना कुछ संशोधन हो जीवन में, ताकि आप एक नई राह पकड़ सके जो आप भटक चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय सियाराम, ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।